भाई एक का पता चल गया, उसका नाम रवि है। ड्रग्स का स्मगलिंग करके धंधा चलाता है, और अगर धंधे में कोई टांग अड़ाता है तो उसको सीधा ऊपर पहुंचा देता है। तू भी ना, तू सिगरेट पिएगा? ये ले तू लॉलीपॉप खा। भाई तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड? अरे मेरी, तेरा क्या सच में दिमाग खराब हो गया है? भाई कोई है, हमारे बंदों को एक एक करके मार रहा है। जिंदा पकड़ के ला उसको। विवेक जरा वो स्क्रू ड्राइवर देना छोटा वाला। कौन हो तुम? लगता है तेरा सच में दिमाग खराब हो गया है। अच्छा तो फिर ये फोटो किस लड़की का है? ये फोटो तुझे कहां से मिला? मैं बताता हूं, फर्स्ट टाइम जब तुम्हें रवि के बारे में बता रहा था तभी कॉल रखने के बाद एक डायरी मिला। जब मैंने उस डायरी को खोला उसके अंदर एक लड़की का फोटो मिला। मुझे थोड़ा डाउट लगा और पता करने के लिए निकला।
गोवा पे जाने के बाद पता चला वो लड़की शिवा के गर्लफ्रेंड था। फिर उसने सारा बात बताया कि शिवा अब नहीं रहा। तब मुझे डाउट लगा, अगर शिवा नहीं है तो मेरे पास जो शिवा है वो कौन है? अब मैं बताता हूँ उस दिन क्या क्या हुआ था। उस दिन हेलो भाई, टोटल फिनिश। ठीक है। जब मैं उसको देखने के लिए थोड़ा थोड़ा पास गया और देखते ही मैं अचानक से चौंक गया था, क्योंकि वो दिखने में एकदम मेरे जैसा था, सेम टू सेम मेरे जैसा। उसे थोड़ा और पास से देखने के लिए मैं उसके पास गया, मुझे लगा वो मर चुका है, लेकिन उसकी सांस थोड़ा और बचा हुआ था और यही एक आखिरी वजह थी शायद। जाते जाते मुझे एक चिट्ठी देखी गया और इसमें जो लिखा था उसे पढ़ के मैं सच में पूरा चौंक गया था। वो चिट्ठी था तो सिर्फ सिंपल सा वर्ड से ही लिखा, लेकिन उसकी फैमिली को कैसे ख़त्म कर दिया था एक ही शब्द में मुझे पता के चला गया। और तभी से लेकर आज तक मैं उन लोगों से एक एक करके बदला लेते गया, क्योंकि मेरी भी कोई फैमिली नहीं थी, उसका नाम लेके मैं जी रहा था एक नई जिंदगी। अब भेजे में कुछ घुसा? ये तेरे बस की बात नहीं है, अभी के लिए तू सो जा। अरे लाइट तो बंद करके आ। अबे अबे तू अंदर कैसे गया? विवेक विवेक, ये क्या मेन विलन है? हाँ। अच्छा भाई, यही है वो। सालो कुछ तो शर्म करो, रात को नींद खराब कर दी। मेरे तीन गिनने पर एक खत्म हो जाना चाहिए।
और ये था उसका पूरा कहानी। लो वो भी आ गया। जाते जाते ये आखिरी निशानी मुझे देके गया था, ये डायरी। उसका बदला मैंने पूरा कर दिया, अब मैं जाता हूँ।